नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्कूलों में मॉडल विज्ञान लैब स्थापित करने का रास्ता साफ। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले करना होगा ये काम। बिहार के 29 पुलिस जाबाजों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। उद्योग खड़ा करने के लिए लेना है लोन तो इस दिन से करें आवेदन। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएनपी नासिक ने 125 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। करेंसी नोट प्रेस नासिक ने विभिन्न ट्रेड में सुपरवाइजर और जूनियर टेक्नीशियन के कुल मिलाकर 125 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रेलिवेंट ट्रेड में डिप्लोमा डिग्री ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://cnpnashik.spmcil.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्कूलों में मॉडल विज्ञान लैब स्थापित करने का रास्ता साफ। राज्य सरकार की ओर से सूबे के मॉडल स्कूलों में लैब स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में पटना जिले को छोड़कर 37 जिलों में मॉडल विज्ञान लैब स्थापित करने के लिए कुल 6.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बताते चले कि सभी स्कूलों में मॉडल विज्ञान लैब IIT पटना के सहयोग से लगाया जा रहा है। इसे लेकर कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण पटना के 7 विद्यालयों में लैब को स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में कुल 43 लैब बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 6.91 करोड़ रुपए खर्च होना है। इसके साथ ही अगर इस परियोजना में खर्च होने वाली पूरी राशि की बात करें तो पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 7.96 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खां की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव बिहार के 29 मार्च 1916 में हुआ था। हालांकि उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन वह बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए। उनके पिता बिहार की डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में सहनाई बजाया करते थे। यद्यपि बिस्मिल्लाह खान सिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानियों संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बिस्मिल्लाह खान एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक थे। वे जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए उनका संगीत ही धर्म था। वे सही मायने में हमारी साझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले करना होगा ये काम। विभाग की ओर से जारी किए गए नए नियम के अनुसार अब वाहन मालिकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले 7 मिनट का एक वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं वैसे वाहन चालक जो इस वीडियो को नहीं देखते हैं या बीच में ही वीडियो को रोक देते हैं तो उनके सिस्टम में यह चीजें दर्ज हो जाती है, जिसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देने से रोक दिया जाता है। इस वीडियो में रोड सेफ्टी से जुड़े वो सभी बातों को बताया गया है जो एक वाहन चालक को जानना जरूरी है। इस वीडियो में हेलमेट पहनने, ओवर स्पीड नहीं चलने, ओवरटेक नहीं करने, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करने, अपने लेन में चलने जैसी कई बातों को शामिल किया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। बिहार में 159 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे खंड पर जल्द शुरू होगा काम। केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद 28,500 करोड़ की लागत से वाराणसी से कोलकाता से बिहार और झारखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बिहार में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे आने वाले 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बताते चले कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टेंडर की घोषणा की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी से कोलकाता तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया से होकर गुजरेगा। NHAI के द्वारा टेंडर दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है कि बिहार में चौंदौली चैनपुर रोड के खैंटी गांव जंक्शन से भभुआ अधौरा रोड पर पालका गांव तक बिहार में एक्सप्रेसवे के 32 किलोमीटर के हिस्से को बनाने के लिए 945.24 करोड़ रुपए मिल रहे हैं।
बिहार के 29 पुलिस जाबाजों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। राज्य सरकार के द्वारा बिहार के उन 29 पुलिस जाबाजों के नाम की अनुशंसा गृह मंत्रालय से कर दी गई है, जिन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक दिए जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट सेवा पदक के लिए 7 जबकि सराहनीय सेवा के लिए 22 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के नाम की सूची गृह मंत्रालय के पास भेजी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि विशिष्ट सेवा पदक जिन 7 अधिकारियों को दी जा रही है, उनमें एडीजी रविंद्रन संकरण, एडीजी पारसनाथ, एडीजी बच्चू सिंह मीना, विनय कुमार शर्मा, विनय कृष्ण, दिलीप कुमार सिंह और रंजीत कुमार के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिन 22 पुलिसों के नाम की अनुशंसा सराहनीय सेवा पदक के लिए दी गई है, उनमें संजय कुमार चौरसिया, रूपेश थापा, मुख्तार अली, संजय कुमार, धनंजय कुमार, धर्मराज शर्मा, आलोक कुमार, वैद्यनाथ कुमार, सतेंद्र कुमार, सिकंदर कुमार समेत कई नाम शामिल हैं। ये सभी पुलिस अलग अलग रैंक और स्थलों पर तैनात हैं। जल्द पड़ोसी मुल्कों में भी दौड़ेगी भारतीय ट्रेन। रेलवे के द्वारा जल्द ही भारत के पड़ोसी मुल्कों नेपाल और बांग्लादेश में भी ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि कटिहार में एनएफएल मंडल के जीएम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आने वाले समय में एनएफएल मंडल के कुछ स्टेशन से भारत और बांग्लादेश के लिए ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। इस लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हालांकि इससे पहले भी कुछ स्टेशनों के ट्रेन की परिचालन शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या दूर होते ही नेपाल के साथ भी जल्दी से रेल परिचालन की उम्मीद है। एनएफएल मंडल के माध्यम से भारतीय रेल बहुत जल्द विदेशी धरती पर दौड़ेगी। इसकी कवायद तेजी कर दी गई है। मानव श्रृंखला में बिहार बोर्ड के छात्रों ने सरकार से की मांग। बीते दिन सोमवार को बिहार के 38 जिलों में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसके तहत बिहार बोर्ड के छात्रों के द्वारा सरकार के सामने कुछ मांगे रखी गई हैं। बता दें कि मानव श्रृंखला के माध्यम से बिहार बोर्ड में कंप्यूटर विषय को कक्षा 6 से 10 तक अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की मांग की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर ज्ञान के मामले में बिहार बोर्ड के छात्र 29 राज्यों में से 26वें नंबर पर आते हैं। हालांकि सरकार की ओर से कंप्यूटर शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन फिर भी यह विषय माध्यमिक कक्षा में जुड़े न होने की वजह से बिहार बोर्ड के तकरीबन 75% बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अब गाँव में भी लगेगा स्मार्ट मीटर, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। अब शहर से सटे गांव में भी मुख्यालय के आदेश के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव में मौजूद 15 घरों से की जाएगी। बता दें कि 30 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन किया जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले लोगों को स्मार्ट मीटर से जुड़े फायदे के बारे में बताया जाएगा, जिससे लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर जो गलत धारणाएं बैठी है उसे खत्म किया जा सके। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार यह काम पहले शहरी क्षेत्रों में ही होना था, लेकिन मुख्यालय के आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को भी चुना गया। बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर किया प्रदर्शन। बीते दिन बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए बीपीएससी कार्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ चुनिंदा सेंटरों पर सेटिंग के जरिए जमकर धांधली की गई है। छात्रों ने दावा करते हुए कहा कि एक ही सेंटर पर लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं। प्रदर्शनकारी बीपीएससी कार्यालय के अंदर जाकर वरीय अधिकारियों से मिलकर सबूत और तथ्य रखने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी गेट पर ही हो हंगामा करने लगे। सीएम नीतीश ने फल्गु को सीता के श्राप से दिलाई मुक्ति। आख्यानों के अनुसार माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था, तभी से ये नदी भूमि के नीचे बहती है, इसलिए इसे भूसलीला भी कहते हैं। लेकिन रबर डैम बन जाने की वजह से इस नदी में अब सालों भर पानी रहेगा। दरअसल बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र सभागार में गया और बोध गया शहरवासियों के लिए हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इसी को लेकर बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह गया और बोध गया में निरंतर विकास के लिए प्रयास किए हैं और जिस तरह जलापूर्ति के लिए काम किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फल्गु नदी को माता सीता से मिले श्राप से मुक्ति दिला दी है। गरीब तबके के विद्यार्थी को गणित विज्ञान में आगे लाने के लिए सरकार कर रही यह काम। अब बिहार में गरीब तबके के विद्यार्थी भी गणित विज्ञान में बाकी विद्यार्थियों की तुलना में पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से गणित विज्ञान और साहित्य समाज शास्त्र क्लबों का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छात्रों को बेहतर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि सूबे के सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास व अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवास ये प्लस टू उच्च विद्यालयों में
क्लब का गठन करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा यहाँ जननायक पुस्तकालय और डिजिटल अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की जा चुकी है। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन व मार्गदर्शन सुनिश्चित करना और प्रेरणादायक मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया जाना है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 26% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना होते हुए हावड़ा तक होगा सर्वे। मध्य रेल की ओर से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना होते हुए हावड़ा तक तीसरी रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना जंक्शन तक सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल पटना जंक्शन से झांझा तक का सर्वे शुरू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तीसरी लाइन बिछाने से रेलवे की आय में बढ़ोतरी होगी। मेन लाइन पर ट्रेनों का दबाव घटेगा और साथ ही इससे यात्रियों के समय में भी काफी बचत होगी। रेलवे अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस रेल लाइन पर वंदे भारत, राजधानी, तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और संपूर्ण क्रांति समेत एक दर्जन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इससे दिल्ली, कोलकाता, बनारस, नोएडा, चेन्नई, पुणे, इंदौर सहित अन्य शहरों में आने जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। मठ मंदिर के सेवकों की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट का अहम निर्देश। राज्य के मठों, मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं के महंत, पुजारी, साधु और सेवकों के जीवन की सुरक्षा के मामले में बीते दिन पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। लेकिन संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इस मामले में प्रभावी उपाय करने के लिए इस जनहित याचिका को दूसरे बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। दरअसल इस याचिका में शिकायत की गई है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर, मठ और संस्थाओं से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाया जा रहा है और मठों व मंदिरों के लोगों की जान से मारने की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही इनकी संपत्ति और भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने की घटनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में होती रही है। इसके बाद भी सरकार द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। उद्योग खड़ा करने के लिए लेना है लोन तो इस दिन से करें आवेदन। बिहार सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोग खुद को स्टार्टअप खड़ा कर सके इसके लिए राज्य सरकार लोगों को उद्यमी योजना के तहत लोन भी मुहैया कराती है, जिसके लिए आपको एक निश्चित समय तक आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत इस साल 8009 उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए के लोन दिए गए हैं। उद्योग के सफल क्रियान्वयन के बाद इसमें से 5 लाख रुपए आपको अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं। आपको बताते चले कि फिलहाल आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन 1 दिसंबर से लिए जाएंगे। आवेदन 31 दिसंबर 2022 तक लिए जाने हैं। आवेदन मात्र पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदक को udyami.bihar.government.in रजिस्ट्रेशन पर आवेदन करना होगा। आज लगेगा राजद का जनता दरबार। आज यानी मंगलवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, जिसमें राजद के दो मंत्री सुरेंद्र यादव और मोहम्मद शाहनवाज जनता की शिकायतों को सुनेंगे। बता दें कि हाल ही में राजद ने इसकी घोषणा की थी कि वो भी जनता दरबार लगाएंगी। यह दरबार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। जनता दरबार में अपनी शिकायतों के साथ पहुंचने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन सुनवाई के दिन राजद कार्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपस्थित होकर कराना होगा, जहां अपने साथ को पहचान पत्र और लिखित आवेदन साथ लाना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं जब चाहूं नीतीश कुमार के साथ मिलकर आगे बढ़ जाऊं। जन सुराज पदयात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन अपने पदयात्रा के दौरान महागठबंधन सरकार के खिलाफ लपेटे में लेते हैं। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को लपेटे में लिया है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें हमेशा बुलाते हैं, उनका फोन आता है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में नीतीश कुमार हमसे आकर मिले थे, यहां भी पदयात्रा से पहले मुझे बुलाया था। मैं जब चाहूं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ जाऊं, पर ऐसा नहीं करूंगा।
तेजस्वी ने समर्थकों को दिया क्लियर मैसेज, अपना टाइम आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा उनके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वे अभी पूरी तरह से शासन में नहीं आए हैं। दरअसल इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि बीज को अंकुरित होने के लिए भूमिगत रहे अंधेरे में खामोश रहना पड़ता, ताकि वह अपने कठोर आवरण को तोड़ अंकुरित हो सके। वहीं इस पोस्ट के सामने आने से कई तरह के सियासी मायने निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसके अनुसार इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी कहना चाहते हैं कि वे अभी अंकुरण काल से गुजर रहे हैं और बाद में जब वो अंकुरित हो जाएंगे तो उनकी पहचान बनेगी। हालांकि तेजस्वी यादव के द्वारा पहले भी इस तरह के कई पोस्ट शेयर किए गए हैं, लेकिन इस पोस्ट को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने पर उनका यह पहला इस तरह का पोस्ट है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। हर घर गंगा जल के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी लोगों को गंगा शुद्ध जल देने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत नल जल योजना की टूटी हुई पाइप इस बात को दिखाती है कि वो लोगों को शुद्ध जल तो दे नहीं पाए और अब वो सभी को गंगा जल पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का हर घर नल का जल पूरी तरह से फेल हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गंगा जल की जरूरत तो अंतिम समय पर पड़ती है, लगता है आपकी सरकार का अंतिम समय आ गया है, बिहार में अगली बार आपकी सरकार नहीं आ सकती। अगर आरजेडी और जेडीयू का विलय होता है तो जेडीयू का ना तीर छाप रहेगा और ना आपकी पार्टी और ना आप। गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा दिल्ली में दिए गए जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े बयान को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद मुख्यमंत्री ने मिलने जुलने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया था और उसे तेज करने की जरूरत है। मैंने इसका सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है तो इसे लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। वहीं गिरिराज सिंह के पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर दिए बयान और वोटिंग राइट्स लेने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने कहा कि यदि उनको अधिकार है वोटिंग राइट लेने का तो ले ले। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीते दिन सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा एक ओवर में 7 छक्के जड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बता दें कि इन्होंने यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेले जा रहे मैच में बनाया है। बता दें चले कि ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा सिर्फ 159 बॉल में 220 रनों की नाबाद पारी खेली गई। उन्होंने अपनी इस इनिंग में 10 चौके और 16 छक्के जमाए। वहीं अगर उनके लगातार 7 छक्के की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने 39वें ओवर में कुल 43 रन बनाए, में उनके द्वारा बनाया गया 7 छक्के भी शामिल है। वहीं इस ओवर में एक बॉल नो बॉल भी रही। ऐसा करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की 1759 में हत्या। बेंगलुरु के लालबाग गार्डन में 1879 में ग्लास हाउस की आधारशिला रखी गई। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने 1947 में भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा। हरियाणा 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। महाराष्ट्र के 1999 में नारायणगांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला। 60 घंटे ऑपरेशन के बाद कमांडो ने 2008 में मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने 5वीं महिला AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बाप्पा का जन्म 1869 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का जन्म 1913 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म 1935 में हुआ। 16वां मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का निधन 1759 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि स्वीकृति पत्र में पीएम मुद्रा योजना के तहत 4,500 रुपए सत्यापन एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान पर 10 लाख रुपए का ऋण देने का दावा किया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। @FINMINDIA के द्वारा यह पत्र जारी नहीं किया गया है। एक साथ 2 स्मार्टफोन में चला सकते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स को अपने अकाउंट को एक अन्य फोन के साथ एंड्रॉइड टैबलेट से भी लिंक करने की अनुमति देगा।
जैसे यूजर्स अपना एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को दो डिवाइस में एक साथ चला सकते हैं। अगर आप भी दो फोन में व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप खोलना होगा जिस फोन में आपने अपना व्हाट्सएप साइन इन किया है। अब ऐप में टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे तीन डॉट आइकन पर टैप करें, फिर लिंक डिवाइस विकल्प पर टैप करें, अंत में लिंक डिवाइस विकल्प पर टैप करें, जिसके बाद आपके फोन की स्क्रीन पर QR कोड आ जाएगा। इसके बाद अपने दूसरे फोन को व्हाट्सएप से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप करें। अब आप दूसरे फोन में व्हाट्सएप खोलें और फिर लॉग इन करें। अब यहां भी आप राइट साइड में दिख रही तीन डॉट आइकन पर टैप करें, इसके बाद लिंक के डिवाइस विकल्प पर टैप करें, अंत में आपने अपने दूसरे स्मार्टफोन से पहले वाले फोन के QR कोड को स्कैन करना है, जिसके बाद आपके दो फोन में एक साथ व्हाट्सएप चल सकेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अखिलेश यादव, विरमानी सिंह, मनोज कुमार, योगेंद्र यादव, नेहा कुमारी, मृत्युंजय कुमार, राम नारायण, भान प्रकाश मौर्य, रविन्द्र पासवान, उमेश ऋषिदेव, सुशील कुमार, प्रमोद कुमार, जितेंद्र रविदास, अनवर करीम खान, गजेंद्र कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के कप्तान कौन हो सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।